माँ सर्वेश्वरी तुम पाई माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, मैं आज आपको वास्तु संबंधित कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि मंदिर में कौन सी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और कौन सी मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। ऐसे 6 मूर्ति का आज मैं वर्णन करने जा रहा हूँ जिनको कदापि स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि आप इन मूर्ति को स्थापित करेंगे अपने मंदिर में तो कहीं ना कहीं आपके दुख का विनाश का कारण बन सकती है। हम तो श्रद्धा भाव से मूर्ति ले आते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं, हमें ज्ञान भी नहीं होता कि इन मूर्तियों को हम ले आए हैं और इनसे हमें क्या नुकसान पहुंचने वाला है। तो आज मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन सी मूर्ति हमको स्थापित कदापि नहीं करना चाहिए मंदिर में। इससे पहले आप लोगों से एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, मैं कंटिन्यूशन में वीडियो बना रहा हूँ, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। आज के इस युग में सभी किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और सबको हल की जरूरत है। इसी कारण लोग यूट्यूब वीडियोस सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके जिससे वो अपने प्रॉब्लम का सलूशन खोज सकें। मेरी भी कोशिश है कि मैं किसी भी प्रकार से आपके प्रॉब्लम का सलूशन दे पाऊँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है या सुन रहा है और जो इसको सब्सक्राइब कर रहा है, उसकी माँ भगवती उसकी प्रार्थना सुने और उसके दुख को दूर करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी मूर्ति है मित्रों जिसको अपने मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पे आती है माँ लक्ष्मी की मूर्ति। माता लक्ष्मी की कभी भी खड़ी मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि आपको स्थापित करना है तो विराजमान वाली बैठी मुद्रा में जो मूर्ति होती है वो स्थापित करनी चाहिए। यदि आप खड़ी मूर्ति स्थापित करेंगे तो कहीं ना कहीं आप धन संबंधी समस्याओं से जूझते रहेंगे, धन संबंधी परेशानी आपकी खड़ी रहेगी हमेशा। दूसरी माँ दुर्गा की मूर्ति। माँ दुर्गा दुष्टों का संहारक, राक्षसों को का संहारक होती हैं। इनका विध्वंसकारी रूप भी पूजा किया जाता है मंदिर में कई बार, लेकिन इनका विध्वंसकारी जो रूप है उसकी मूर्ति कभी भी आप अपने घर में ना रख के पूजा करें। यदि आप इनका विध्वंसकारी रूप घर में रख के पूजा करेंगे तो ये आपके घर में कहीं ना कहीं तनाव का माहौल पैदा हो जाएगा इससे, और अनावश्यक रूप से आपके झगड़े होने चालू हो जाएंगे, ऐसा देखा गया है। तीसरा नटराज की मूर्ति। ये भोले बाबा का स्वरूप है जब वो तांडव रूप में रहते हैं। कभी भी नटराज की मूर्ति घर में स्थापित करके पूजा पाठ ना करें, क्योंकि ये तांडव स्वरूप का मूर्ति है। यदि आप इसे रखेंगे तो आपके घर में क्रोध आवेश की प्रवृत्ति होगी और अनावश्यक झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। चौथा भैरव बाबा की मूर्ति। भैरव बाबा की मूर्ति कदापि घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। इनकी सवारी कुत्ता होता है और शमशान की राख और शराब से इनकी पूजा की जाती है, जो आप नियमित अपने घर में नहीं कर सकते। और सही नियम से यदि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम आपको जीवन काल में देखने को मिलेंगे, इसलिए भैरव बाबा की मूर्ति कभी भी घर में स्थापित ना करें। पांचवा शनिदेव की मूर्ति। शनिदेव की मूर्ति कभी भी अपने घर में स्थापित ना करें। इनका नियम कानून बहुत है, यदि आप नियम कानून पूर्ण नहीं करेंगे तो शनिदेव की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी। और शनिदेव की नाराजगी यदि आप झेलेंगे तो आप समझ सकते हैं किन किन कष्टों में आप पड़ सकते हैं। तो इनका यदि आपको पूजा करना चाहते हैं तो शनि मंदिर जाएं, वहां पूजा करें, कभी भी इनकी मूर्ति लाके घर में स्थापित ना करें। छठवां एक ही देवता की दो मूर्ति स्थापित ना करें। यदि कोई भी भगवान की दो मूर्ति आपके पास है तो एक जगह ना रखें, ये आपके पारिवारिक रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं, ऐसा देखा गया है। और कभी भी खंडित और डरावनी मूर्ति नहीं रखना है। हम बहुत श्रद्धा से प्रेम से भगवान का पूजा करते हैं, हमें ऐसी मूर्ति रखनी है जो प्रसन्नचित्त मुद्रा में हो और या हंसती हुई मुद्रा में हो। डरावनी या खंडित मुद्रा में कोई मूर्ति होगी तो उसको तुरंत अपने पूजा स्थल से दूर कर दें। और पूजा स्थल घर के ईशान कोण पे ही बनाएं। पूजा स्थल यदि आपके सही दिशा में होगा तो आपको सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। तो आज आपको मैंने मूर्तियों के बारे में काफी कुछ जानकारी दे दी। कल फिर नए किसी वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। इसके साथ मैं यही विदा लेता हूँ। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।